करना चाहिए, अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी टीका टिप्पणी करे उचित। भाई साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं आज उनके ट्विटर अकाउंट से उन्होंने कांग्रेस की बहुत सारी पोस्टें जो हैं अपनी सभी पोस्टें जो हटा ली थी और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता था, हालांकि बाद में सफाई भी थी, उसके बाद उनके से जुड़े हुए मंत्रियों ने भी उनकी पोस्टें हटाई थी। क्या लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आने लगी? देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही गुटबाजी रही, आज से नहीं पहले से रही। मतलब अगर आप आज़ादी के पहले की कांग्रेस देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का एक अलग गुट था, उसके बाद से गुट चले आ रहे हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ गुट है, मोहल्ले में जाओगे तो वहाँ पर गुट मिल जाएंगे आपको। तो कांग्रेस को आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस को विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक सत्ता प्राप्त करने का एक संगठन है, आपस में सभी हो जाते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता मिल जाती है तो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो ये सिंधिया जी जो ने किया कोई नया किया ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वो तो जनसेवा बता रहे हैं, वापसी करते हैं बीजेपी में, क्योंकि पहले जो है